गुड इवनिंग 9th स्टैंडर्ड। लास्ट टाइम हमारा सेकंड लेसन का प्रैक्टिस सेट 2.1 हो गया था। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर y इज इक्वल्स टू 108 डिग्री एंड x इक्वल्स टू 71 डिग्री, आर द लाइंस m एंड n पैरेलल क्वेश्चन मार्क एंड जस्टिफाई। मतलब अभी तुम लोग को सेकेंड लेसन है, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये है तुम्हारा लेसन नेम, ठीक है। तो अभी प्रैक्टिस से ये अपना एडजॉइनिंग फिगर है एल एम एन एक्स वाई। अभी गिवन में क्या दिया है, y इक्वल्स टू 108 डिग्री, x इक्वल्स टू 71 डिग्री, ठीक है। आर द लाइंस, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, आर द लाइंस m एंड n आर पैरेलल्स। अभी पैरेलल है कि नहीं वो देखना है हम लोग को, मतलब कन्वर्स ऑफ। अभी ये x एंड y, ये जो दोनों एंगल्स दिए हुए हैं वो x एंड y कैसे है, तो इंटीरियर एंगल से। कौन से एंगल से, इंटीरियर एंगल से। तो हम लोग कन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल थ्योरम करके देखेंगे। तो पहला फर्स्ट हम लोग इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या है, तो इंटीरियर एंगल जो है उसको ऐड करके अगर 180 आ रहा है तो वो दो लाइंस जो है वो पैरेलल रहती है। ये हमारा ओरिजिनल इंटीरियर एंगल थ्योरम है। तो हम लोग को फर्स्ट ये देखना है कि एक्स एंड वाई जो है उनको ऐड करने के बाद 180 आ रहा है कि नहीं। अगर वो आता है तो वो हो गया m सेगमेंट m पैरेलल टू सेगमेंट n, अगर नहीं आ रहा है तो सेगमेंट m इज नॉट पैरेलल टू सेगमेंट n, ठीक है। तो अभी फर्स्ट लिखोगे तुम लोग, इफ द इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, देन द लाइंस, ये अपना क्या है थ्योरम है, देन द लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। अभी तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल्स क्या है, x plus y is equals to 71 plus 108, कितना आता है 179 आ रहा है। तो 179 is not equals to 180 degree, हम लोग को कितना चाहिए, सप्लीमेंट्री है मतलब 180 degree चाहिए, but 180 degree नहीं आ रहा है। therefore यहाँ पे लिखो इंटीरियर एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, दैट्स वाई सेगमेंट एम इज नॉट पैरेलल टू सेगमेंट एन, ठीक है। तुम लोग ऐसा भी लिख सकते हो, लाइन एम एंड लाइन एम आर नॉट पैरेलल, ठीक है। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों को ऐड करके 180 डिग्री आ रहा है तो वो सप्लीमेंट्री।
एंगल x congruent to एंगल y, then prove that line L parallel to line N. Line L parallel to line N.
सिर्फ सिक्स ही क्वेश्चन है, उसमें से थ्री क्वेश्चन हो गए अपने।
फर्स्ट में वैसा लिखूंगी, रे बी ए पैरेलल टू रे बी ई रीजन गिवन, और सेकेंड लाइन पी क्यू पैरेलल टू रे ए बी कंस्ट्रक्शन, क्या हो जाएगा हमारा? दैट्स व्हाई ये तीनों लाइंस कैसे हैं, एक दूसरे से पैरेलल है, तो हमारा क्या लिखोगे हम लोग, रे बी ए पैरेलल टू रे बी ई पैरेलल टू रे पी क्यू, पी क्यू रे तो लाइन पी क्यू, ठीक है ये हो गया। अभी देखो अभी डी पैरेलल टू सी क्यू, मतलब ये पूरा लाइन अगर पैरेलल है तो ये दोनों इंटीरियर एंगल हो गया, तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट डी ई पैरेलल टू पी क्यू एंड ट्रांसवर्सल, कौन सा ट्रांसवर्सल लेना है, डी सी, देयरफॉर तो ये जो दो एंगल है एंगल ई डी सी एंगल BC plus angle BCQ is equals to 180 degree, reason रहेगा interior angle, ठीक है। तो अभी D EDC कितना दिया है, 100 दिया है, BCQ is equals to 180 degree, therefore angle BCQ is equals to 180 minus 100, ये कितना हो गया, 80 हो गया। अभी देखो ये 80 हो गया, तो अभी एंगल अभी रे ए बी और लाइन पी क्यू हम लोग लेंगे और ट्रांसवर्सल बी सी लेते हैं, रे बी ए पैरेलल टू लाइन पी क्यू एंड ट्रांसवर्सल BC, फिर एंगल ABC और BCQ, ये दोनों एंगल कौन से हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए, एंगल ABC congruent to एंगल BCQ, reason अल्टरनेट BCQ कितना है, एंगल BCQ इज इक्वल्स टू एंगल BCD प्लस एंगल BCQ इज इक्वल्स टू 50 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल आल्सो 130 डिग्री, मतलब जितना ये पूरा रहेगा उतना ही एंगल एबीसी रहेगा, हम लोग को एंगल एबीसी ही पूछा है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या किया मैंने कि ये लाइन पैरेलल टू ये लाइन है और ट्रांसवर्सल डीसी लिया, दैट्स व्हाई एंगल ईडीसी एंड प्लस एंगल बीसीक्यू इज इक्वल्स टू 180 बिकॉज़ दिस बोथ एंगल्स आर इंटीरियर एंगल, वी पुट एंगल EDC as 100, 100 plus DCQ is equals to 180, so this 100 comes that right hand side and we get DC, angle DCQ is equals to 80 degree, but if we take that ray AP
वी गेट एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी क्यू आर अल्टरनेट एंगल, दैट्स व्हाई एंगल ए बी सी इक्वल्स टू बी सी क्यू एंड एंगल बी सी क्यू इज इक्वल्स टू 50 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 130. सो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 130 डिग्री. ओके, राइट इट डाउन. Question number 5 and 6 is homework. अपना दिमाग लगाओ और करो कैसा कर सकते हो. Fifth and sixth home.